वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेरे सदारत मौशी सूरतेहाल पर इजलास हुआ है, जिसमें मुल्क में महंगाई की सूरतेहाल पर ब्रीफिंग दी गई है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात पर भी गुफ्तगू हुई। अशिया खुरनोश की कीमतों पर टैक्सेस कम करने का फैसला भी किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत मौशी सूरतेहाल पर इजलास हुआ है, जिसमें मुल्क की मईशत का जायजा लिया गया। मुल्क में महंगाई की बढ़ती हुई शरह पर भी बातचीत की गई और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात पर भी गुफ्तगू हुई। अशिया खुरनोश पर कीमतों में टैक्स करने का फैसला भी किया गया है। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अवैस, बताएगा क्या फैसले हुए हैं इस इजलास में? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो है वो अहम तरीन इजलास हुआ है महंगाई के हवाले से, और उसमें जो है महंगाई की सूरत हाल पर अपडेट बताई गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात पर गुफ्तगू हुई है। अशय खुरनोश की कीमतों पर टैक्सेस कम करने के फैसला हुआ है, और वफाकी वज़रा को प्राइस कंट्रोल कमेटियों पर अमल दरामद के लिए इकदाम की भी हदायत की गई है। साथ ही साथ वज़रा अपने हल्कों में मसनू महंगाई पर नजर रखें, और साथ ही साथ मसनू महंगाई करने के हवाले से जो है वो खिलाफ जो है वो सख्त इकदाम भी किए जाए, जखीरा अंदोजों के खिलाफ भी सख्त एक्शन जो है वो लिए जाए, इस तरह की हदायत दी है। और सबसे अहम जो चीज है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो है कम करने के हवाले से मुख्त तजावीज पर जो भी है वो जेर गौर आई है, और इस हवाले से वज़ीर आज़म ऑफिस का ये कहना है कि स्पेशल जो इंतजामिया है, जिले इंतजामिया और सूबाई जो हुकूमतें हैं उनके मबैन जो कोऑर्डिनेशन है उन पर ज्यादा फोकस किया जाए। बहुत शुक्रिया अवैस के आने तफसीलात के लिए।